हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एम आर गाइडेशन जिस स्टूडेंटे बी आर एम लॉ कॉलेज थ्री इयर्स एल एल बी कोर्स विचारी से स्टूडेंट कारण यह वीडियो तो बहुत ही स्पेशियल है जे बी आर एम लॉ कॉलेज छात्र छात्री कारण थ्री इयर्स एल एल बी कोर्स कारण एडमिशन नोटिस तो ऊपर से इतिम्य गति के देखा दी आसार क्लास इयर लास्ट डेट और एंट्रेंस डेट तो किमान और रिजल्ट कित ऊलब और क्लास किमान तारीख स्टार्ट हम यह सकोखिन प्रसिड्यर यह भिडिओ आलोचना करम और लास्ट एडमिशन प्रसिड्यर तो कैनक है ये तो भिडिओर मजद देखाई दीम तो प्रथम फर्स्ट अफ अल देखा एडमिशन नोटिस थ्री इयर जी एल एल वि कोर्स आ थ्री इयर एल एल वि कोर्स फर्स्ट सेमिस्टार इते सीट तो जो चाँव तीट तो हम इतने 120 मैं 120 सीट आए और इतने लास्ट डेट फर सबमिशन जो लास्ट डेट तो चाँव 13 नवेम्बर भर यू सबमिट कर लगे अपनी अफलाइन ना अनलाइन ये सबमिट कर दी पे और इयर एंट्रेंस डेट इयर एंट्रेंस डेट तो चाँव इतना 18 नवेम्बर भर 18 नवेम्बर तारिखे एंट्रेंस तो पता हम और इतने एंट्रेंस तो दी लगे जिस स्टूडेंटे एप्लाई करते 18 तारिख एंट्रेंस दी लगे और तार डेट अफ रिजल्ट रिजल्ट जो चाँव कि तारिख रिजल्ट ऊपर एंट्रेंस दियार पीछे 25 नवेम्बर तारिखे रिजल्ट घोषणा करा और सीदिना जिस मानने एंट्रेंस पास करडमिशन पा और सीसले एडमिशन लगभ पार और इतने जो चाँव डेट अफ एडमिशन एडमिशन कि तारिख हम मैंने रिजल्ट डिक्लेयर हर पीछर दिन इतने एडमिशन तो लिया हम आई मीन 26 नवेम्बर तारिखे एडमिशन लिया हम और इार जो क्लास आम चाँव क्लास तो कि तारिखर पर स्टार्ट हम क्लास तो स्टार्ट हम साधारण 29 नवेम्बर पर 29 नवेम्बर तारिखर पर क्लास स्टार्ट हम इतना देख लैसो द एप्लिकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन टू द थ्री इयर एल एल बी फर्स्ट सेमिस्टर फॉर सीजन 2021-22 विल बी अवेलेबल एट द ऑफिशियल वेबसाइट www.brmgovlawcollege गुवाहाटी.org यू वेबसाइटर आपुन सम्पूर्ण रूप में फॉर्म डाउनलोड कर डायरेक्ट अपनी फॉर्म ऑनलाइन तो पड़े ना ऑफलाइन तो पे डाउनलोड कर ऑफलाइन तो पे ना ऑनलाइन तो पार्टी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर थ्री इयर एल एल बी कोर्स एल एल बी कोर्स करें इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो किमान हम इतने देखाई दी 45 मार्क्स जेनेरल कैटेगरी कैंडिडेट्स माने ए जेनेरल कैटेगरी कारण जेनेरल स्टूडेंट्स कारण 45 मार्क्स धार्य कर एस सी एस टी स्टूडेंट कारण इतने ओनली 40 मार्क्स धार्य कर ओ बी सी एम ओ बी सी जिस कैंडिडेट आज है कैंडिडेट कारण 42% इतने धार्य कर पास कर दी लगे जैसे अपनी एडमिट कार्ड ऊल लगे अपनी दी लगे इतना दी ना 500 टका एडमिशन फीस इतना देखो मैं एडमिशन प्रसिड्यर तो कैनक है एडमिशन फॉर्म तो कैनक हम यू से एडमिशन फॉर्म जो इतने अपनी प्रथम लिख लगे टोटल मार्क्स इन द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अपना लास्ट एग्जामिनेशन टोटल मार्क्स कि एंटर कर दी लगे एंटर कर दी लगे तार पास टोटल मार्क्स ऑब्टेन आपुनी किमान मार्क्स पाले हेतु इते लिख लगे पार्सेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड आपुनी किमान पार्सेंटेज पाले हेतु इते एंटर कर दी लगे और स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर आपनर नंबर तो पर्सनल नंबर एट दिले इसे भल हो इते आपुनी एंटर कर दी तार पास फुल नेम एज पर योर एडमिट कार्ड यूज कैपिटल लेटर फुल नेम आपनर एडमिट कार्ड जितु नेम आसे आपुनी किंतु इते कैपिटल लेटर यूज कर तार पास रजिस्ट्रेशन नम्बर अफ द यूनिवर्सिटी बोर्ड उथ इयर लास्ट जी पास कर बोर्ड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर से एंटर कर दी लगे तार पास डी एच ए यूनिक आई डी नम्बर इतना एंटर कर दी लगे तार पास तलत स्क्रोल कर देखा दूसो मैंने मदार्स नेम फादार्स नेम एंड अकुपेशन आपुनी इतने एंटर कर लगे अपनी नेम तो दी लगे अकुपेशन एंड फोन नम्बर इमेल आई डि तार पास मदार्स नेम माकर नाम
তাৰপিছত ফোন নাম্বাৰ ইমেইল আইডি তাৰপিছত ফুল পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনাৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে দি দিব লাগিব আপুনি ক'ত বাস কৰে সেইটো ইয়াতে দি দিব লাগিব তাৰপিছত লিগেল গাৰ্জেন আপোনাৰ লিগেল গাৰ্জেন এজনৰ নাম ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব নেম ভিলেজ টাউন ইমেইল পোষ্ট অফিচ পি এছ মানে এইখিনিয়ে সম্পূৰ্ণখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি তলত অলপ স্ক্ৰল কৰিলে আকৌ দেখা যাব লোকেল গাৰ্জেনছ নেম এণ্ড এড্ৰেছ লোকেল গাৰ্জেন এড্ৰেছ নেম একেবাৰে ছেইম কেটেগৰি হয় ছেইম আগৰটো নিচিনাকৈ ৰিলেশ্যন অকুপেশ্যন ভিলেজ টাউন ইমেইল ডিষ্ট্ৰিক্ট পি এছ পিন ষ্টেট ফোন নম্বৰ ইমেইল আই ডি আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে নেশ্যনেলিটি এণ্ড ৰিলিজন ইয়াতে লিখি দিব আৰু ডু ইউ বিলং টু এছ চি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চি পি এইচ কেটেগৰি আপুনি কোনটো কেটেগৰীৰ পৰা ইয়াতে বিলং কৰি আছে সেইটো আপুনি এই কেটেগৰীত লিখি দিব পি এইচ কেটেগৰী যদি আপুনি পি এইচ কেটেগৰী হয় তেন্তে ইয়াতে আপুনি ইয়েছ কৰি দিব আৰু যদি ন' হয় আপুনি যদি নহয় পি এইচ কেটেগৰী মানে তেন্তে আপুনি ইয়াতে ন' কৰি দিব আৰু কিন্তু ইয়াতে আপুনি জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰি দিব ৰিজাল্টছ অফ লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন পাষ্ট আপোনাৰ লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাষ্টৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে কোৱালিফাইং মাৰ্কছ সকলোখিনি আপুনি ফিল কৰি দিব লাগিব আৰু তলত দেখুৱাই আছোঁ অপটেইন মাৰ্কছ ইন দ্য লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাষ্ট ছেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ অফ অল মাৰ্কশ্বীট শ্বুড বি এনক্লোজড আপুনি এইখিনি লগতে এনক্লোজ কৰি দিব লাগিব এইচ এল চি এইচ এছ এল চি এইচ এছ আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্স ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী এনাডাৰ দেন ইয়াতে আপুনি মাৰ্কছ কিমান মাৰ্কছ পালে আৰু কোনটো বৰ্ডৰ হয় আৰু টোটেল মাৰ্কছ কিমান এইখিনি আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ফিল কৰি দিব লাগিব তলত এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেণ্টৰ ছিগনেচাৰটো ইয়াতে দি দিব লাগিব তাৰ তলত ইয়াতে লিখিব লাগিব মিছেছ এণ্ড মিষ্টাৰ্ছ নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব নেম ইন ফুল ছিগনেচাৰ পেৰেণ্ট এণ্ড গাৰ্জেন গাৰ্জেনৰ ছিগনেচাৰ ইয়াতে দি দিব লাগিব তো আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে এডমিশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ আৰু এডমিশ্যনৰ নটিফিকেশ্যনখিনি কেতিয়া লাষ্ট ডেট কেতিয়া ইয়াৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ ডেট এই সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত সবিশেষ কোৱা হ'ল গতিকে যিসকল ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো ভালদৰে চাব আৰু ভালদৰে ফৰ্মখিনি ফিল আপ কৰি এইটো অফলাইন নাইবা অনলাইনত জমা দি দিব 13 তাৰিখৰ আগত কিন্তু এটা জমা দি দিব তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ থেংকছ ফৰ ৱাচিং হেভ এ গ্ৰেট ডে'